नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 11। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्स और पैडिंग से। सी, चिल्स एंड पैडिंग्स और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ईएस के पेपर में आप देखेंगे कि चिल्स, पैडिंग और चैपलेट, ये जो तीन चीज़ें हैं इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही क्लियर तरीके से हमको देखना है कि व्हाट आर चिल्स एंड व्हाट आर पैडिंग। सी, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर चिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ इफ दिस इज अवर कास्टिंग एंड वी वॉन्ट दैट देर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग, एट द टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ द कास्टिंग देर विल बी सम हीट ट्रांसफर है। नाउ यू सी फ्रॉम दिस मच पार्ट, लेट मी डिवाइड दिस इन टू थ्री पार्ट, वन दिस वन पार्ट, दिस इज द टू सेकेंड पार्ट एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। नाउ सी इन द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सर्फेस एरिया बाय विच द हीट इज गेटिंग आउट एंड फॉर द थर्ड पार्ट दिस वन इज द सर्फेस एरिया एंड बट एट द टू पार्ट, पार्ट नंबर टू, द सर्फेस एरिया इज लेसर। ना यू सी दैट इन दिस वाला टू वाला पार्ट द सर्फेस एरिया हीट ट्रांसफर सर्फेस एरिया इज लो। इफ सर्फेस एरिया इज लेसर, लेट मी राइट डाउन इन दिस पार्ट लेस सर्फेस एरिया, लेस सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया इज लेसर देन हीट ट्रांसफर विल ऑल्सो बी लेस। किससे लेस? हीट ट्रांसफर विल बी लेसर देन वन एंड थ्री। अगर वन में और थ्री में हीट ट्रांसफर रेट इज हायर एंड द टू हीट ट्रांसफर रेट इज लोअर, तो यहां पर क्या होगा? देखिए कि ये हायर, ये ज्यादा स्पीड से सॉलिडिफाई होगी, ये भी ज्यादा स्पीड से सॉलिडिफाई होगी, एटलीस्ट मोर देन द सॉलिडिफिकेशन रेट ऑफ द पार्ट टू। सो ये इस तरीके से श्रिंक करेगी एंड ये इस तरीके से श्रिंक करेगी, और यहाँ पर जो टू वाला है वो कुछ ऐसा श्रिंक करेगा। तो ये सब क्या करेंगे कि ये अपने अपने जो डायरेक्शन दिखाया है इस डायरेक्शन में श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। एंड इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, इफ दिस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज लेसर देन द स्ट्रेस दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, तो क्या होगा? यहाँ पर क्रैक्स अपियर करना स्टार्ट कर जाएंगे, क्रैक्स अपियर करना स्टार्ट कर जाएंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन इज ड्यू टू क्रैक्स हमारी जो कास्टिंग है इट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? वी वॉन्ट दैट देयर मस्ट बी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन एंड डायरेक्शनल ग्रेन ग्रोथ। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, जब डायरेक्शनल ग्रेन ग्रोथ होता है तो जो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, दैट स्ट्रेंथ इज हायर ड्यू टू डायरेक्शनल ग्रेन ग्रोथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज हायर। नाउ हियर, हियर मोर हायर कूलिंग रेट, हियर ऑल्सो हायर, हियर लेसर। तो ये जो जो हमारा ग्रेन का ग्रोथ होगा ना, दैट ग्रेन ग्रोथ इज नॉट डायरेक्शनल एंड एज इट इज नॉट डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स आर लेसर। तो यहां पर आप ये बात याद रखिएगा कि इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ चिल। व्हाट वी विल डू इज सिंपल सी बात है, दिस वन सेकेंड, दिस टू पार्ट इज हैविंग लेसर सर्फेस एरिया, देन वॉट वी विल डू इज वील पुट वन चिल हियर। चिल इज ऑल्सो अ मेटालिक ऑब्जेक्ट विच इज पुट इन दिस पार्ट। सो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो सारे तरीके से क्या होगा, सारे सर्फेस एरिया के लिए इट विल बी ऑफ सेम काइंड, दिस इज नोन एज चिल। Now what is a chill? Chill is a kind of metallic object which is added in the part जहां पर आपका surface area is lesser and if the surface area is lesser, तो यहां पर ये क्या chill का क्या काम हो रहा है, ये एक metallic object है and then it is increasing the surface area increase हो जाएगा। तो हमारे पास जो directional solidification नहीं हो पा रही थी, the directional solidification which was not possible due to different different surface areas is now solved and this complete surface area will have the same directional solidification, so the strength of the material will increase। तो यहां पर हमारे चिल्स का क्या काम है, देखिए चिल्स का काम है टू प्रोवाइड द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। इस बात को याद रखिएगा, चिल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। यहां पर अब जो कुछ बातें लिखी हुई हैं देख लेते हैं। एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन इन माउल्ड कैविटीज टू मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर रेट एंड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। देख लीजिए, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर रेट एंड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड, दिस आर नोन एज चिल्स। ये याद रखिएगा, चिल्स आर अ काइंड ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। आगे देख लेते हैं, इफ ऑल द ग्रेन्स आर ग्रोइंग इन सिंगल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। सो वॉट डू वी वॉन्ट, दैट वी वॉन्ट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ऑफ हमारा ये वाला कास्टिंग। Next is our padding. Now what is a padding? See, for example, if you are having this kind of object, तो ये हमारी moulding sand है. So just watch the corners. These corners are having heat transfer rate less है in corners में. Heat transfer rate, heat
heat transfer rate is lesser in these corners. And also then what will happen, again we will do one thing, that to add these metallic objects in all the corners of this, these metallic objects in all the corners of this casting. So what will happen is the surface area will increase and then there will be directional solidification. The common function, see, the padding is used mainly for the directional solidification, but there is also an additional usage of the padding. What is that additional usage? Additional usage is that it reduces the erosion and also give little bit support. It reduces the erosion, क्योंकि देखिए corners है, यहाँ पर erosion होने के chances होंगे. And what is erosion? Erosion means the sand particles which are in this part, they will try to come and get dissolved into the mould metallic casting, जो कि liquid state में होगी, which is हमें उसको avoid करना है. तो padding जो है sometimes also help for erosion and also for the support, but its main function is directional solidification. Yaad rakhiyega, chills and padding main function is directional solidification. Let us read down whatever is written over here. At critical cross section in the mould cavities, to minimize erosion and to maximize heat transfer rate, metallic objects are provided. These are called as padding. To provide, by providing chills and padding, directional solidification can be possible. This is a very very important line, because in this only most of the questions are coming. Now see, in the ESC examination there is little bit confusion. What is the confusion? One more thing, we have chills, padding and chaplet. Chaplet is what? Chaplet हमने वहाँ पर support करने के लिए core को, chaplet, please remember this, जो chaplet we have studied in our previous lectures, it is used to support the core. It is not having any other usage other than supporting the core. It is not at all used for solidification, directional solidification or any other purpose. Chaplet is primarily used for supporting the core. But chills and padding, chills are used for directional solidification, padding is also used for directional solidification, but there is also a additional usage of padding. What is that? It is used for also little bit support and also to minimize the erosion. Minimize the erosion is the additional usage, but please remember that chaplet is not used for any other usage other than supporting the core. So hamara jo chills or padding hai, chills and padding, it is mainly useful for directional solidification. Directional solidification. Now let us move to our next part. Here we are going to see the classification of casting techniques. हमारा अभी तक का जो भी casting का portion था, वो technical part वो खत्म हो चुका है. यहाँ पर in the next and further lectures we have to see all these kind of casting techniques which I have written over here. And in the after reading all these, in the end we will see the casting defects and then with that we will complete our casting. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले it is written expandable mould. What is a expandable mould? See, it is a kind of temporary mould. Temporary mould. Expandable moulds are the moulds जो सिर्फ एक बार use किए जा सकते हैं. They can be used only once. It can be used for complex shapes. Their cost is less and cost of the item will also be less, laborious and time consuming, and accuracy is also going to be lesser in this expandable mould. Next, in this there are sand mould, which is a expandable type. Shell moulding is also an expandable type. Investment casting, full moulding and CO2 moulding. One by one we have to see all these kind of moulding. And see, one thing I'll tell you, this shell mould, मोल्डिंग, नो, शेल मोल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिन विदाउट कोर. याद रखिएगा, थिन विदाउट कोर. एंड देन नेक्स्ट इज हमारा परमानेंट मोल्ड. परमानेंट मोल्ड में सी, दीज आर इन द परमानेंट मोल्ड, नो, द मोल्ड इज मेड अप ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स. इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी लाइक सैंड वैंड काइंड ऑफ थिंग्स. इट इज मेड ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट. इट इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन एंड एज इट इज यूज्ड फॉर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, देन द accuracy and the surface finish is also going to be good. Cooling rate will be high as it is a metallic object, no, right? Metallic object में क्या होगा कि metallic object में cooling बहुत बढ़िया fast होगी, तो strength भी कैसा होगा, fast हो जाएगा. Cost of the die जो होगी ना permanent mould में वो ज़्यादा होगी, और permeability of the die will be lesser, so chance of gas defect will be ज़्यादा. Permanent mould जो है वो, अगर it is made up of metallic object, तो permeability will be lesser, right? If the permeability will be lesser, then there are chances of gas defect. So it is preferred that the permanent mould type of casting should be done in vacuum environment.
एंड दिस प्रेफर्ड सी इट इज मेड अप ऑफ द थिंग इज दैट इट इज मेड अप ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट सो द लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स कैन ओनली बी कास्टेड इन परमानेंट माउल्ड. क्योंकि देखिए अगर हमारी जो माउल्डिंग है इट इज मेड अप ऑफ सच मटीरियल हुज मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेसर देन हमारा जो माउल्टन मेटल हम उसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा हमारी माउल्डिंग पिघल जाएगी यार एंड विच इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज डन मेनली फॉर लेसर टेम्परेचर मटीरियल्स. तो यहां पर देख लेते हैं किसने टाइप की है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग डाई कास्टिंग स्लश कास्टिंग एंड स्क्वीज कास्टिंग. एक चीज यहां पर भी मैं लिख दूं जो ये स्लश कास्टिंग है इट इज यूज्ड फॉर थिन एंड हॉलो. ये बात याद रखिएगा आगे तो मैं इसको समझाऊंगी बट यहां पर क्या है कि ये चीज आपको याद करके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है. शेल माउल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिन विदाउट एनी कोर. सॉरी आई एम वेरी सॉरी दिस इज नॉट विदाउट दिस इज विद कोर. आई एम वेरी सॉरी दिस इज विद कोर एंड दिस इज थिन एंड हॉलो विदाउट कोर. बिना कोई कोर के स्लश कास्टिंग होती है शेल माउल्डिंग थिन विद कोर. देन नेक्स्ट इज वन मोर टाइप ऑफ कास्टिंग विच इज नोन एज कंपोजिबल कंपोजिट माउल्ड. कंपोजिट आई हैव नॉट मेंशन इट हियर बट कंपोजिट माउल्ड्स आर द माउल्ड्स कंपोजिट माउल्ड्स आई राइट इट डाउन कंपोजिट माउल्ड्स. देखिए कंपोजिट माउल्ड्स वो माउल्ड्स होते हैं जो एक्सपेंडेबल प्लस परमानेंट. मतलब कि वॉट इज द थिंग इज हैपनिंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई. तो उसमें क्या करेंगे कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सैंड से बना लेंगे विच इज एक्सपेंडेबल एंड कुछ पार्ट ऐसा होगा जो मेटल से बना लेंगे विच इज परमानेंट. तो दोनों ही चीजों के जो एडवांटेजेस है व्हेन यू आर यूजिंग दैट देन दैट काइंड ऑफ कास्टिंग विल बी नोन एज और दैट काइंड ऑफ माउल्ड विल बी नोन एज कंपोजिट माउल्ड. द लास्ट वन इज हियर कंटिन्यूअस माउल्ड. इन द कंटिन्यूअस माउल्ड वॉट इज हैपनिंग डायरेक्टली द माउल्डन मेटल इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बिलेट्स एंड ब्लूम. सो हमने इतना पार्ट देख लिया है. फ्रॉम द एक्सपेंडेबल माउल्ड लेट अस मूव टू द शेल माउल्डिंग. शेल माउल्डिंग सबसे पहली है यहां पर हमारी शेल माउल्डिंग जो दूसरे पार्ट में लिखी हुई है सबसे पहले हम यहां पर उसको डिस्कस करेंगे. देखिए सैंड माउल्डिंग वो माउल्डिंग है ना जहां पर सैंड इज यूज्ड. तो यहां पर हम लोग सैंड माउल्ड बनाया जाता है उसको सैंड माउल्डिंग कहते हैं. शेल माउल्डिंग की हम लोग यहां पर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे. तो देखिए क्या है शेल माउल्डिंग उसके बारे में समझते हैं यहां पर वन बाय वन चलेंगे. देखिए द पैटर्न इन द शेल माउल्डिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन एंड ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ द कास्टिंग. क्योंकि एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड एनी पॉइंट दैट आई एम टेलिंग इन दिस प्लीज ट्राई टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ मटीरियल दैट आई एम टेलिंग और एनी काइंड ऑफ कूलिंग रेट और टेम्परेचर बिकॉज इवन टेम्परेचर इज आस्क्ड समटाइम्स इन द क्वेश्चन. सो एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर. सो जो पैटर्न है हमारा पैटर्न इन द शेल माउल्डिंग इज मेड अप ऑफ मेटल कास्ट आयरन मेटल. ठीक है तो मान लीजिए कि आई हैव मेड दिस काइंड ऑफ पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पैटर्न बना लिया है. ठीक है ये है पैटर्न. दिस इज लेट मी से दैट दिस इज अ कास्ट आयरन पैटर्न एंड नाउ द थिंग इज दैट लेट मी हीट इट टू 250 डिग्री सेल्सियस. ये पैटर्न है हमारा वो भी कास्ट आयरन का पैटर्न और मैंने इसको हीट कर लिया है 250 डिग्री सेल्सियस तक. नाउ लेट अस कम टू द माउल्डिंग मटीरियल. सी ये जो माउल्डिंग मटीरियल है फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज फाइन ग्रेन सिलिका. इन द माउल्डिंग मटीरियल फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज फाइन ग्रेन सिलिका. द नेक्स्ट देर इज फिनॉल रेजिन इज अ काइंड ऑफ रेजिन. इट इज अ थर्मोप्लास्टिक रेजिन. सॉरी थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ रेजिन. सो थर्मोसेटिंग के दो टाइप की रेजिन होती है इसमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. एंड द थर्ड पार्ट इज एल्कोहल. सो दीज आर द थिंग्स जो फाइन ग्रेन सिलिका फिनॉल रेजिन में एनी टाइप विच इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एनीथिंग. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंडली नोट दैट द थिंग्स दैट आई हैव रिटन बिकॉज समटाइम्स इन एसी का पेपर आप देखेंगे एसी पेपर में डायरेक्ट इसके कॉम्पोजिशन बोलेगा कि शेल माउल्डिंग में वॉट इज द माउल्ड मटीरियल का कॉम्पोजिशन. तो वेदर अल्कोहल इज यूज और नॉट वन टाइम अ क्वेश्चन इज आज आई थिंक इवन इन ईएस ओनली क्वेश्चन इज आज अल्कोहल इज यूज इन शेल माउल्डिंग. यस अल्कोहल इज यूज इन शेल माउल्डिंग. तो आपको सारी चीजें ये याद रखनी पड़ेंगी. तो फिर क्या होगा कि इन तीनों को मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप करके हम क्या बना लेंगे माउल्डिंग सैंड बना लेंगे. अब देखिए माउल्डिंग सैंड बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे एक बॉक्स लेंगे. सी दिस इज द बॉक्स और यहां पर हमने जो अपना पैटर्न है दिस इज द पैटर्न. सी दिस इज द पैटर्न एंड दिस इज द बॉक्स. पैटर्न जो हमने ऐसे था ना इसको पलट दिया है और इस साइज में कर दिया है. और फिर यहां पर ये जो माउल्डिंग सैंड है ना ये ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूं माउल्डिंग सैंड को यहां पर ये जो है ना ये फाइन ग्रेन सिलिका
फिनॉल रेजिन एंड अल्कोहल, उन सब का मिक्सचर जो है यहाँ पर मिक्सअप करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब ये क्या है, ये हीटेड मेटालिक पैटर्न है, हीटेड मेटालिक पैटर्न, ठीक है। ये हीटेड मेटालिक पैटर्न है, कितने टेम्परेचर तक हीट कर रखा है भैया, 250 ही मैंने लिख रखा है, 250 तक हीट कर रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप इज कि जो यहाँ पे ऐसे पलट के रखा था ना, यहाँ पर जो सामान सामान इन द सेंस कि मोल्डिंग मटेरियल जो है मिक्सअप करके जो रख रखा था ना, व्हाट विल डू, विल अगेन टर्न इट अपसाइड डाउन, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देन अपसाइड डाउन जब होगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब अपसाइड डाउन होगा यार, तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो माउल्ड मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ था ना, वो जाकर के यहाँ पर फिलअप कर देगा। मान लीजिए इतना ये फिलअप कर दिया इसने यहाँ पर जाकर के, दिस इज फिल्ड अप, ये क्या है हमारी माउल्डिंग सैंड। नाउ सी एज द हमारा ये जो हमारा पैटर्न है, इट इज इन 250 डिग्री सेल्सियस, इट इज हैविंग हायर टेम्परेचर। नाउ द मोल्डिंग मटेरियल इज हैविंग फिनॉल रेजिंग, फिनॉल रेजिंग इज अ काइंड ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, विच इज अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग रेजिंस। रेजिंस क्या होते हैं, दे विल एक्टिवेट द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी एज सुन एज द टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड टू इट। 250 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये जो मोल्डिंग सैंड है ना, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पैटर्न, विल स्टार्ट हीटिंग अप, एंड एज दे विल स्टार्ट हीटिंग अप द मोल्डिंग सैंड विल गेट स्टिक टू द पैटर्न। जो ये पैटर्न है ना, उसमें एक लेयर स्टिक करना शुरू हो जाएगी मोल्डिंग सैंड की। एंड अब थिकनेस कितनी होगी, देखिए थिकनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द थिकनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, जितने देर के लिए आप इस पैटर्न को मोल्डिंग सैंड के कॉन्टैक्ट में रखेंगे, वो टाइम विच इज नोन एज ड्वेल टाइम, दैट टाइम इज नोन एज ड्वेल टाइम, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस, कितना थिकनेस जो है वो यहाँ पर इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए एक नया फिगर ले लेते हैं हम, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो होगा आपका, उसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट होगा, इसको फिर पलटोगे, फिर पलटने के बाद देखिए इसको फिर पलटा, देन अगेन इट विल बी लाइक दिस, और देयर विल बी अ लेयर ऑफ मोल्डिंग सैंड विच विल गेट स्टिक टू द पैटर्न, एंड रेस्ट ऑफ द मोल्डिंग सैंड विच इन विच द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज नॉट एक्टिवेटेड, इट विल गो एंड द सेटल डाउन हियर। नाउ नेक्स्ट विल व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट डू वन थिंग, इसको इतना पार्ट अलग करो और ये जो माउल्ड जो आपका पैटर्न है उसको अलग निकाल लो। ये आपका पैटर्न है, ये जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स को आई हैव सेपरेटेड एंड इसमें एक लेयर जो है वो पैटर्न के ऊपर इट हैज कम। नाउ टेक अ ड्रॉ स्पाइक, व्हाट इज अ ड्रॉ स्पाइक, जो हमने फर्स्ट पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ड्रॉ स्पाइक इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको आप खींच के निकालोगे तो इतना पार्ट, दैट मीन्स ये मोल्डिंग सैंड वाला जो पार्ट है अलग हो जाएगा एंड ये पार्ट अलग हो जाएगा। देखिए फाइनली आपको ये चीज मिलेगी, पैटर्न आपको अलग मिल जाएगा, यू विल गेट द पैटर्न सेपरेट एंड यू विल गेट दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां पर इसको एक चीज और, यहां पर इसको 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, इसे निकालने के बाद भी ना 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, उसके बाद ड्रॉ स्पाइक से निकाला और आपको ये जो है ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या होगा, फिनोलिक रेजिन विल इवेपोरेट एंड इट इज परमिएबल होगा, वो उससे निकल जाएगा और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए आपको हॉलो सैंड कास्टिंग बनानी है तो इस तरीके का एक और ऑब्जेक्ट बनाइए, ऐसे बनाना है तो इस तरीके का एक और ऑब्जेक्ट बनाइए, तो आपको ये और दोनों को चिपका दीजिए, दैट मीन्स उन दोनों को एक साथ करके क्लब कर दीजिए और फाइनली आपका ये क्या होगा, माउल्डिंग तैयार हो जाएगी। अगेन ये होगी हमारी बैकिंग सैंड और यहां पर आप कोर रख सकते हैं, व्हाट यू कैन कीप कोर रख सकते हैं, या अगर आपको आपको कोर नहीं रखना है, आपको हॉलो कास्टिंग नहीं चाहिए, तो फाइनली आप यहां पर एंटर करवा सकते हैं और इसी शेप का ऑब्जेक्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर ये चीजें हैं कि पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, टू प्रोड्यूस, देखिए टू प्रोड्यूस बेटर सर्फेस फिनिश एंड एक्यूरेसी वेन कम्पेयर टू सैंड कास्टिंग, पैटर्न इज प्रोवाइडेड बाई मेटालिक मटीरियल, इट कैन बी हीटेड अप टू 200 डिग्री सेल्सियस,
Moulding material is made in contact with metallic pattern. Due to heat from the pattern, phenolic resin will activate the bonding property and the moulding sand will stick to the surface of the pattern in the form of shell. Thickness of the shell will depend on the contact time between pattern and moulding material, which is known as dwell time. Kindly remember this. This is known as dwell time. By separating the pattern and shell from the molding, they will be heated to 350 degrees Celsius. By separating the shell from the pattern, they will produce number of shells and they will be added to produce the required casting. ये जो shell है ना, आपको shell, ये देख सकते हैं, ये shell type का आपको, like coconut की shell होती है ना, वो shell type का आपको मिल गया है. अब इस तरह के number of shell है, आप उसको जोड़ लीजिए, दो shell को जोड़ लिया, आपको इस तरह की casting produce हो जाएगी. So this is known as shell molding. So this kind of casting is known as shell molding. Now let us see that what are the application. Please kindly remember, the application is also very much important. यहाँ पर देख लेते हैं applications क्या हैं. देखिए shell moulding की जो applications हैं, I will write it down. First of all, this is used for cylindrical block of air cooled IC engine. देखिए ये वही example है जो exam में पूछे गए हैं या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. तो cylindrical, इसलिए आपको एक एक चीज यहाँ पर remember करके रखनी है. cylindrical blocks of air cooled IC engine. Next is rocker arm. Used in valve, rocker arms are used in valve control mechanism. नेक्स्ट इज हमारा वेल्व प्लेट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हमारा ये वाली कास्टिंग. दैट इज विच कास्टिंग इट इज. इट इज अ शेल कास्टिंग. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट कास्टिंग विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग देखिए, इट इज यूज फॉर प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट. प्रिसिशन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर दोज मटीरियल्स इन विच इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन दे बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ सी वॉट हैपन्स इज इन दिस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दैट दिस इज अ पैटर्न. This is also used for mass production and complex shape of object can be used. See, ये जो pattern है, pattern is made up of wax. ठीक है, pattern जो है हमने एक wax से बनाया है. उसके बाद देखिए, एक ये object लिया है, इसमें different different pattern जो है हम क्या करेंगे, add up कर देंगे. Pattern हमने यहाँ पर क्या कर दिया, add up कर दिया. For mass production, जितने चाहो उतने pattern add कर दो. ये tree type का object हमने बना लिया है. ठीक है, ये जो है हमारा, ये इसका पार्ट है, ये रनर की तरह बिहेव करेगा फ्यूचर में. दिस पार्ट विल बिहेव एज रनर. ठीक है, ये हमारी क्या है, पैटर्न है. अब देखिए बात, पैटर्न किसका है भैया, वैक्स का है. ठीक है, तो वैक्स का पैटर्न है. उसके बाद व्हाट वी विल डू, विल मेक अ स्लरी. व्हाट इज स्लरी? स्लरी जो है, इसकी जो स्लरी है वो भी आपको याद रखनी है. सिलिका फ्लोर लेंगे, सिलिका फ्लोर, फिर सिलिकेट लेंगे एंड वाटर लेंगे. इन सबको मिक्स करेंगे और एक कंटेनर में फिलअप करके रखेंगे. उसके बाद क्या होगा, वो जो कंटेनर में इसकी जो स्लरी होगी ना, उस पर इसको पकड़ेंगे और डिप करेंगे, बार बार डिप करेंगे. तो क्या होगा कि एक लेयर इसमें जम जाएगी, किसकी, इस स्लरी की. एक लेयर विल बी डिपॉजिटेड. लेट मी मेक द डायग्राम, दो इट विल टेक बिट टाइम, पर डायग्राम बना लेते हैं हमारा. देखिए यहां पर तीन थे, यहां मैं दो ले रही हूं बिकॉज फॉर द ईज ऑफ ड्रॉइंग दिस फिगर, अदरवाइज मुझे तीन ड्रॉ करने पड़ेंगे. उसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर सबमिट हो जाएगी, मतलब एक लेयर क्या करेगी, स्टिक हो जाएगी ऐसी. काहे के लेयर है ये, दिस लेयर इज ऑफ स्लरी एयर. स्लरी, स्लरी काहे का है, सिलिका फ्लोर, एथिल सिलिकेट एंड वॉटर स्लरी जो है, इट विल गो एंड गेट स्टिक टू द. एंड अंदर ये किसका है, अंदर इट इज ऑफ वैक्स. अब ये वैक्स का है. अब देखिए क्या होगा, ये जो डिपिंग की है ना हमने, डिपिंग,
जो डिपिंग की है ना, इट इज नोन एज स्टकोइंग प्रोसेस. स्टकोइंग प्रोसेस, व्हाट इज स्टकोइंग प्रोसेस? एडिंग ऑफ सिरामिक पैटर्न टू गेट रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ सिरामिक कोटिंग. अब देखिए, एक बार डिपिंग किया, स्टकोइंग किया, उसके बाद बाहर निकाल लिया, एक लेयर जम जाएगी, लेट इट ड्राई. अगर उसकी थिकनेस रिक्वायर्ड नहीं है, अगेन डिप करो, फिर उसके ऊपर एक और लेयर जम जाएगी. अब दैट लेयर यू कैन ऑल्टर द नंबर ऑफ लेयर्स एज द रिक्वायरमेंट. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? नाउ वी हैव टू सी दैट देयर इज इनसाइड वैक्स एंड यू हैव गॉट अ लेयर ऑफ द स्लरी आउटसाइड. नाउ यू विल डू डी वैक्सिंग. डी वैक्सिंग में क्या करेंगे? जस्ट हीट इट अप. हीट करेंगे तो क्या होगा, वैक्स जो है इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड देन यू कैन टर्न इट डाउन एंड डी वैक्सीफाई इट एंड देन यू विल गेट ओनली दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ये ऑब्जेक्ट नहीं, आई मीन टू से इज ये आपको माउल्ड आपको ऐसा मिल जाएगा विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो माउल्ड मिल जाएगा. अब बस माउल्ड मिल गया है, नाउ यू कैन मेक द कास्टिंग. कास्टिंग बनाने के लिए पोर द लिक्विड मेटल गो एंड सेटल डाउन हियर. अंदर लिक्विड मेटल विल गो एंड सेटल डाउन. उसके बाद जस्ट ब्रेक द कास्टिंग. ये जो बाहर है, ये स्लरी ही तो है, सिलिका फ्लोर ही तो है, उसको ब्रेक इट डाउन एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड कास्टिंग. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आई विल शो यू डायरेक्टली इन माई नोट्स. यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अदरवाइज आई हैव टू राइट इट सो मच. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आर रिटन द यूसेज. यहाँ पढ़ लीजिए एप्लीकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. यू हैव टू रिमेम्बर गैस टर्बाइन ब्लेड्स आर मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. निकल कोबाल्ट एंड निकल, ये जो एलॉय है उससे बनाया जाता है हमारे गैस टर्बाइन का ब्लेड. नेक्स्ट इज जेट इंजन पार्ट्स, टाइटेनियम एलॉय से बनाया जाता है. इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम विच इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. आप देख सकते हैं गैस टर्बाइन इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट. आप टर्बाइन की जो डिजाइन होती है ना, वेन यू स्टडी द पावर प्लांट, तो उसकी जो डिजाइन होती है इट इज वेरी टफ and it is a very integrated type of, so you need the accuracy and precision both. So gas turbine blades are prepared from investment casting. Next is medical implants. Next is dentures. Dentures means the surgical instruments जो होते हैं dentures, it is also made from this thing, investment casting. And the gold ornaments और high complexity के जो होते हैं वो भी हमारे investment casting से बनाए जाते हैं. यहाँ पर procedure है, उस procedure को आप एक बार पढ़ लीजिए. देखिए, we'll read it down. To produce complex shape of the object which are made up of high melting point material, this technique can be used. Pattern is produced by wax material. To increase the production rate, number of patterns along with the gating element will produce a pattern assembly. Next point, by adding slurry coating, fine grain ceramic particles are added to produce ceramic shell known as stuccoing process. Kindly remember this process, क्योंकि आपको ईएस के एग्जाम का जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, stuccoing process पे क्वेश्चन आ चुका है. By heating the ceramic shell, wax can be removed to get required cavity into which liquid metal will be allowed to solidify. Next point, after solidification by breaking the mold, required shape of the object can be produced. And it is a kind of laborious and expensive process. And the last is to minimize the gas defect. This process is carried out in under vacuum. So, we have seen two types of molding or the casting. यहाँ पर try to remember the points that I have told. I'll also give you the notes. ये notes का photocopy I'll give you. And applications remember करना बहुत important है, because directly they will ask the question from application. In the next lecture we'll also see the next more type of casting. I think it will take 2 or 3 lectures, not more than 3 lectures more. I'll try to complete it as soon as possible.